चला के बहुत अच्छे काम हो रही है हमारी बिना समाज काम बुढ़ा अब बताओ बोलो। इस धर्मशाला और मीन भगवान मंदिर की स्थापना 29/6/1993 को हुई थी, परंतु उस समय पैसों के अभाव में धर्मशाला का निर्माण बहुत कठिन था। कभी कभी तो एक पट्टियों का पत्थर जो 8-9 हज़ार का आता था उसका भी इंतजाम नहीं होता था। गांवों से जैसे कोई नुक्ता हुआ, कोई शादी विवाह हुआ 18 गांवों से, तो उसमें 500 रुपए करके कुछ इंडिविजुअल कलेक्शन गांवों से करके कुछ राशि हुई। उसके बाद में जब मीन भगवान की स्थापना 2007 से सरसों की जो तूड़ी होती है, पड़ेस होता है ना सरसों के खापरी, उसका कलेक्शन मीणा समाज के जो भी गांव थे मीणा समाज का ही कलेक्शन करते हैं अपने यहाँ, वो कपड़े नहीं लेते। तो वहाँ से 2007 से ग्राम चोकड़ी से शुरू हुआ इसकी शुरुआत की थी। तो उन्होंने गांव वालों ने पूरा इकट्ठा करके मीणा समाज का पूरा पड़ेस भेज करके इकट्ठी राशि यहाँ जमा करवा दी। उसके बाद में उन्होंने अपनी कार्रवाई समझा करके फिर यहाँ की जो कमेटी थी वो जो भी आसपास के सभी मीणा समाज के गांवों में एक गांव से एक ही बार प्लेस लिया है जिंदगी में, जब से दोबारा नहीं लिया, कभी भी दोबारा नहीं लिया है। फिर उसके बाद में कलेक्शन होते होते इसका करोड़ों में कलेक्शन होता था। ग्राम देवड़ी का कलेक्शन 46-47 लाख 61 हज़ार का हुआ था एक गाँव में, जिसमें से 13 लाख रुपये तो अपने मांडकड़ा में मीणा समाज की मंदिर धर्मशाला है उसमें दे दिया। फिर समाज ने गांव वालों ने बोला कि भाई उसमें दे दो, तो उसमें दे दिया। उसके बाद में धीरे धीरे विकास होता रहा। महाराज जी जय शिवानंद जी महाराज के हाथ से इस मंदिर के नींव की मतलब स्थापना की गई, तो उनके सानिध्य में जो मतलब इसका नींव का पत्थर रखा गया वो इस तरह का रखा गया है कि आज दिन तक इस मंदिर में धर्मशाला में और इस कमेटी में पैसों की कमी कभी भी नहीं रही है। आई भी कौन अब तक मतलब खूब पैसों का भरभार रही है, कभी कोई तरह की समस्या नहीं आई है। जो भी विकास समिति ने करवाया वो करवा सकती है, पैसे की वजह से रुकने का काम पीछे मुड़ करके नहीं देखा आज दिन तक, बहुत अच्छे काम है। उसके बाद में 2012 में मंदिर की मूर्ति स्थापना हुई, 2013 में मूर्ति स्थापना हुई, तो इसका भंडारा 1008 कुंड का यज्ञ रखा गया था यहाँ, उसमें भोजन प्रसादी 11 दिन तक भंडारा चलेगा, पूरे चौथ का बरवाड़ा का सभी समाज का निमंत्रण लगाया, समाज पूरे समाजों को न्योता दिया गया 11 दिन का और दोनों टाइम का सुबह से शाम तक भोजन जब भी भंडारा चलता है 9 बजे चालू हो जाता था, रात को शाम को 10 बजे तक होता था, 10 बजे तक चलता ही होता। 10 बजे तक जो भी यात्री आए आसपास के जितने भी गांव आए, कोई मिलने वाले आए, कोई अपने सगे संबंधी आए, भरवाड़ा किसी भी जाति का सबका भंडारा था यहाँ। रोजाना अलग अलग प्रसादी का, देसी घी की प्रसादी बनी थी, सरस घी की, पूरा की सरस डेयरी जयपुर से लाया गया था, वो भी महाराज जय शिवानंद जी महाराज के जी सानिध्य में हुआ है, और गुरु नित्यानंद जी महाराज के भी मतलब उसमें हो रहा है पूरा, उन्हीं के में 1008 कुंडों का रहा, उसमें भी खूब कलेक्शन हुआ, खूब मतलब हमें और अच्छी से अच्छी मूर्तियों की स्थापना हुई। जब से निरंतर इसका चला रहा है, हर 3 साल में इसके कमेटी के चुनाव हो जाते हैं, समाज के जो आम सभा होती है उसमें चुनाव हो जाते हैं, वो समिति देख रेख में जो भी समाज से पैसों का कलेक्शन है सरसों की तूड़ी का करना चाहे, या कोई समाज का व्यक्ति रिटायरमेंट होता है नौकरी से, या कोई बेटा कोई नौकरी लगता है तो उसका भी दान पुण्य यहाँ करते हैं, कोई 51 लाख देता है, 51 हज़ार देता है, कोई 1 लाख देता है, कोई बहुत अच्छा जो भी सब, हाँ तो इस तरह से मतलब अच्छा निरंतर चला आ रहा है। अभी जो कमेटी है जो अभी भोजनशाला का निर्माण उधर करवाया है 17,000 स्क्वायर फीट के क्षेत्र में, मतलब है ना छत के नीचे वो भोजनशाला बनी हुई है, उसमें कच्ची और पक्की रसोइयाँ अलग अलग बनी हुई है,
जिसमें एक एक रोज में 28-28 सवा बनियां आती है चौथ के दिन, कभी दीतवार होता है सावन के महीने में, इनमें बहुत सुवामणी आती है, डेली आती है थोड़ी थोड़ी। तो इतनी बड़ी भोजनशाला होने के बाद में भी स्थान की कमी रह जाती है, तो लोगों को इंतजार करना पड़ता है अपने भोजन प्रसादी बनाने के लिए। परंतु अभी ऊपर का जो छत डाल करके उसका कोटा स्टोन का काम करवा दिया गया है, अलग से एक बड़ा हॉल बना दिया गया है जो भोजनशाला है उसके ऊपर, और उसका निर्माण अंतिम चरण में है। अब तो केवल है ना जो वॉशरूम की जो फैसिलिटी लगी हुई है लेडीज़ की जेंट्स की अलग अलग है, जिसमें चार लेटरीन है, तीन बाथरूम है, दो यूरिनल के हैं, लेडीज़ के भी अलग है, जेंट्स के अलग है। उसका केवल फिटिंग विटिंग का भी काम हो गया है, अब तो केवल टाइल्स का नल टूटियाँ लगानी है, बाकी बिल्कुल कंप्लीट है, लाइट फिटिंग ऑल रेस्पेक्ट कंप्लीट है, पंखे लगाने बाकी है। बाकी अभी जो भोजनशाला में नीचे की तरफ जो भट्टियाँ बनी हुई थी ना, उन पे सीसी हो रही थी केवल, जिससे क्या गंदगी बहुत होती थी। तो कमेटी ने अभी मतलब निर्णय लिया कि भाई इसका भी कोटा स्टोन करवा दिया जाए, लगा दिया जो स्टोर भवन रही है सभी का कोटा स्टोन अभी कार्य चल रहा है, वो भी अंतिम चरण में। अभी इसी साल पौधरोपण रही है, गत वर्ष भी किया था, इस साल भी किया था, पीछे की साइड में पहाड़ी की तरफ उधर समाज का पार्किंग बनी हुई है, और एक बड़ी बाहर की तरफ बड़ी पार्किंग हुई है, उसमें भी काफ़ी सारे पौधे लगा दिए गए हैं, जो बड़े भी हो गए और वो एक दो साल में छाया देना प्रारंभ कर देंगे। फिर यहाँ पार्किंग में भी छाया की कमी नहीं रहेगी, आने जाने वाले यात्रियों को किसी प्रकार की कमी नहीं रहेगी, और यहाँ पानी की टंकी बनी हुई है समाज के, इसमें जो बेडोला रोड पे अपना पौन बीघा के करीब जमीन है, वहाँ 18x18 का पंप हाउस बना हुआ है, वहाँ से पानी आता है सीधा यहाँ मतलब टंकी भर जाती है। उसके अलावा छोटे छोटे बोरिंग यहाँ भी है, यहाँ पानी की थोड़ी कमी है, परंतु उसी से पूरा काम चल रहा है। सर्दी के जब बरसात होती है तो यहाँ के लोकल मोटरों से काम हो जाता है, बाकी वहीं से आता है। रोज सफाई की सबसे बढ़िया व्यवस्था यहाँ रखी जाती है, वॉशिंग के लिए हमने मशीन लाई हुई है, हेज कटिंग की भी मशीन है, दो बो काटने की, सब समय समय पर सभी काम मतलब तत्परता के साथ में होते हैं, सफाई का विशेष ध्यान रखा जाता है। यात्रियों को कोई भी सुविधा है तो उसके लिए सुझाव पेटी का कोई शिकायती पत्र यहाँ दे रखा है, लगा रखा है, नंबर लगा रखे हैं, पदाधिकारियों के कोई भी समस्या हो तो अपनी समस्या बता सकता है। जो भी कमेटी के मेंबर है रात दिन यहाँ सेवा में लगे रहते हैं, इसके अलावा 7-8 का परमानेंट स्टाफ रहता है यहाँ। धर्मशाला का महीने का कम से कम खर्चा 2 लाख रुपए का है, जिसमें 1 लाख रुपए से ऊपर का तो बिजली का बिल आता है, 70-80 हज़ार का कर्मचारियों की तनख्वाह है, 20 हज़ार मंदिर के पूजाकार प्रसादीकार लगता है। इस तरह से 2 लाख रुपए का तो परमानेंट खर्चा है, चाहे यहाँ कमाई हो और चाहे ना हो। जब भी कोई विशेष प्रकार की परिस्थितियाँ आती है, सामाजिक सरोकार का कार्य होता है, वो भी यहाँ किया जाता है। जैसे कोविड के समय में यहाँ कोविड सेंटर बनाया गया था धर्मशाला में, कभी कोई समाज की मीटिंग होती है या कोई दूसरे प्रोग्राम होते हैं, ये ऐसा सेंटर है कि शिक्षा के जगत में जब भी कोई प्रोग्राम होता है, मास्टरों की टीचर्स की ट्रेनिंग होती है, आंगनबाड़ी की टीचर्स की आंगनबाड़ी वाले कार्यकर्ताओं की ट्रेनिंग होती है, राजस्थान लेवल की भी कई ट्रेनिंग के प्रोग्राम इस धर्मशाला में चलते रहते हैं। सरकार के पंचायत समिति की ऑडिट आती है, ग्राम पंचायतों की ऑडिट आती है, तो सब यहीं ठहरते हैं, बढ़िया उचित व्यवस्था है। मेले के ऊपर प्रशासन को भी निःशुल्क कमरे उपलब्ध करवाए जाते हैं, पुलिस प्रशासन को करवाए जाते हैं, तो ये सामाजिक सरोकार में मतलब सर्वोपरि ये संस्था इस चौथ का बरवाड़ा के अंदर इतना ट्रस्ट की शर्मशाला जो सातों समाज की है उसमें भी इतना कार्य नहीं है सामाजिक सरोकार में। यहाँ सामाजिक सरोकार में सर्वोपरि रहती है, कोई भी कार्यक्रम हो तो इसमें बढ़ चढ़ करके लेते हैं। अभी आदिवासी दिवस का आयोजन बहुत जोर शोर से किया गया था, बहुत अच्छा, जिसमें 3 दंगल पार्टियाँ आई थी, ग्राम उखलाड़ा की, ग्राम कोल्या की, राम सिंहपुरा की, 3 पार्टियाँ तो उसमें ये खंडार विधानसभा क्षेत्र के MLA श्री अशोक जी आए थे, मोतीलाल जी MLA साहब आए थे,
बाकी और भी कहीं गणमान्य नागरिक सरपंच जो भी पार्षद वार्षद जो भी है सरपंच सभी को बुलाते हैं। यहाँ जाति गत भेदभाव से किसी प्रकार का कोई द्वेष नहीं रखा जाता है। जहाँ ये धर्मशाला मीणा समाज की है, परंतु अगर किसी को कमरा दिया जाता है तो वहाँ समाज और उसकी जाति नहीं देखी जाती है, धर्म नहीं देखा जाता है, सबको उसी रेट में मिलता है, चाहे इस धर्मशाला का कमेटी का कार्यकर्ता हो चाहे अध्यक्ष हो, उसको भी वही किराया लिया जाता है जो दूसरे समाज के लोगों से लिया जाता है। अभी वर्तमान में अध्यक्ष यहाँ के श्री भैरोलाल जी एडिशनल एसपी ग्राम बलरिया के हैं, उनके साथ में रूप नारायण जी मीणा डिडाइस के, यहाँ महामंत्री है कोषाध्यक्ष प्यारेलाल जी मीणा है ग्राम मैनपुरिया के, उपाध्यक्ष श्री इंदर राज जी मीणा है ग्राम बराना का, और अपने 11 मेंबरों की कमेटी है इसी के सहित, जिसमें रामधन जी मीणा है अपने ग्राम शहर सिंहपुरा के, श्री नारायण मीणा है हस्तगंज का, थैली राम जी माड़ साहब है अपने यहाँ रूपनगर के, इधर से अपने सोकरण जी मीणा है बंदेड़िया वाले, बद्रीलाल जी हैं बदरिया के, लल्लू लाल जी हैं यहाँ के बोरदा के, भजन लाल जी हैं अदलवाड़ा के, इस तरह से ये 11 मेंबरों की कमेटी के साथ में इसका संचालन कर रही है। उसके अलावा 11 मेंबरों के अलावा भी इसमें कई सारी कमेटियाँ बढ़ी हुई है जो केवल देख रेख का और इनका मतलब किसी प्रकार की सतर्कता बरतते हैं, या कोई प्रकार की अगर कोई गुंडागिर्दी होती है, कोई कमीशनबाजी होती है, उस पर नियंत्रण रखती है कि भाई ये कमेटी कार्य कर रही है वो सही कर रही है कि नहीं कर रही है, उसका नियंत्रण जो लोकल कमेटियां बनी हुई है। यहाँ सब दुकानदार भी अपने समाज के हैं, वो भी पूरी निगरानी रखते हैं, अपने घर की जैसे रखवाली करते हैं ना, सभी दुकानदार मतलब पूरा ध्यान रखते हैं कि भाई यहाँ के जो जो कर्मचारी है वो कमरा फ्री में तो नहीं दे रहे हैं, कहीं पैसा रख लिया जेब में और कमरा दे दिया हो, कोई रसोई हुई है उसका सुविधा शुल्क नहीं लिया है, सीधा ही रसोई का पैसा जेब में रख करके तो नहीं करवा रहा है। ये पूरे कर्मचारी जो समाज के लोग हैं ये भी पूरा ध्यान रखते हैं अपने घर की तरह, और कोई भी बात होती है तो कमेटी के मेंबरों को तुरंत मतलब अविलंब बिना देर किए हुए सूचना कर देते हैं, जिससे जो भी कमेटी निर्णय होती है जो भी उचित समझती है वो कार्रवाई करती है, कार्यक्रम चलता रहता है, किसी प्रकार का यहाँ भेदभाव का जाति बरादरी के भेदभाव का किसी प्रकार का वो नहीं है। या कोई कमेटी के मेंबर समाज के दूसरे मेंबर या सब आदमी समान है, या ये नहीं देखा जाता है कि ये कमेटी का मेंबर है, ये अध्यक्ष है, ये उपाध्यक्ष है, ये कर्मचारी है, ये दुकान वाला है, ये दूसरे गांव का है, सबको यहाँ बराबर अहमियत दी जाती है और अच्छी तरह मतलब है ना व्यवहार किया जाता है। कोई भी परेशानी होती है सभी जगह ठंडे पानी के कूलर लगे हुए, गेट पे 2 ठंडे पानी के कूलर लगे हुए, आगे की तरफ 1 ठंडे पानी का कूलर लगा हुआ है, पीछे की तरफ रसोई में 24 घंटे ठंडे पानी आते हैं, 4-5 कूलर वाटर कूलर अटैच कर रखे हैं, सीधा पानी मिनरल वाटर का आता है, किसी प्रकार की कोई मतलब वो नहीं है। इस तरह से इसका कार्य चल रहा है, जो ये सब निर्माण हुआ है ये कई करोड़ों का है, सफाई करने वालों का ठेका दे रखा है 12,000 रुपए में महीने का, जो अपनी सफाई का ध्यान रखता है, इसके अलावा जो कर्मचारी लगे हुए वो भी सफाई का ध्यान रखते हैं, फुल काम है ये पूरा, मतलब अच्छी तरह चल रहा है मामला और इसका कार्य बढ़िया चल रहा है, निरंतर प्रोग्रेस में। भगवान से प्रार्थना करते हैं, मीन भगवान से, कि भाई ये उसकी उन्नति निरंतर करता रहे, ये पेड़ जो लगाया है गत वर्ष समाज की ओर से मंदिर के नीचे जो एक खाली होल था बहुत बड़ा, वो किसी काम में नहीं आ रहा था, तो समाज ने मतलब है ना उसमें अभी जो नई कमेटी आई है ना, जो अभी मैंने विवरण दिया है, इस कमेटी ने सर्वप्रथम उस लाइब्रेरी की स्थापना करवा दी, 8-9 लाख रुपए की लागत से लाइब्रेरी चालू करवा दी, जिसमें वाईफाई है, 4 AC है, इन्वर्टर है, राउटर, बैठने की फर्स्ट क्लास सुविधाजनक VIP कुर्सियां है, और अच्छा फर्नीचर है टॉप क्लास का, इस तरह की व्यवस्था है जिसमें 80 सीट के करीब है जो फुल रहती है हमेशा, उसमें भी कोई समाज का कुछ नहीं देखा जाता है, सर्व समाज के लिए खुली हुई है,
इस तरह से इसका कार्य चल रहा है। भगवान से हम प्रार्थना करते हैं कि ये कार्य आने वाली कमेटियां और आने वाले समाज के लोग और नौजवान इसी तरह से चलाते रहे, और जो बुजुर्गों ने ये पेड़ लगाया ये निरंतर बहुत बड़ा वट वृक्ष की तरह फली फूल करके राजस्थान में पूरा नाम करे, क्योंकि राजस्थान में ऐसा मीन भगवान का मंदिर कहीं भी नहीं है, ना इस प्रकार की धर्मशाला और सुविधा है, और भोजनशाला का इंतजाम भी इस प्रकार का नहीं है। क्यों हम नौकरी के उपरांत राजस्थान के प्रत्येक क्षेत्र में घूमे, परंतु ऐसा कोई नहीं है। हर तरह की व्यवस्था है, सब समाज का ध्यान रखा जाता है। जय श्री मीन भगवान की जय। सबसे पहले को यहाँ ही कोटेड़ी चुनार यहाँ ही लगाए जो तूनो सबसे पहले वह फोटो ली चीन तने ये अड्डा की चे डोंगरी चिया तोड़े
ਕੇ ਡੂੰਗਰ ਆ ਕੇ ਜੰਤ ਤੇ ਜੰਤ ਕੇ ਆਪਣੇ ਜਾ ਡੂੰਗਰ ਆ ਗਿਓ ਆਪਣੇ ਮਾਤਾ ਨੇ ਹੋਰ ਕਾਇ ਜਾਂ ਤੈਨੂੰ ਬਾਰੀ ਨੂੰ ਪੱਲਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਸੋ ਗਿਆ ਦੇਖ ਲੈ ਤੂੰ ਰਾਈਡ ਮੰਨ ਕੇ ਪਰ ਬੋਂਡੀ ਤੇ ਮਾਰ ਗੱਡੀ ਚ ਕੋਣੀ ਕੋਣ ਪਾਰਕਿੰਗ ਬਸ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਜਾ फर्नीचर पर चल लगेगा ना हाँ फिर से ऐसे लग जाएंगे सब कंप्लीट सुविधा ये इधर लेडीज का है दोनों साइड से रास्ता और क्या ये वो उसकी है तालाब का सीन ले यहाँ से ले यहाँ से ले रहा है सीन सेट कर गोद माता जी का दे यहाँ से Thank you.